जमिंदर बनाजिया जी, सुनील जी, मजाक दादा आए थे खास तौर पर, ओम प्रकाश जी, सारे इतने दिल की गहराइया कने स्वागत करना और मुबारक दिन आज विनोद कांग्रेस पार्टी दियां गल्लां और लोकां तोड़ी पजाने की इतने मीटिंग्स जिहड़ियां ऑर्गेनाइज करनियां। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जदों की हिंदुस्तान दे विच सरकार आई थी तो हिंदुआया कि महंगाई का दौर जिहड़ा आ अज कुत्थे जा रहा, तो तुसें सारे पता है, तो सारे टीवी भी दिखते, अखबारा भी पढ़ते कि एक सिलेंडर जिहड़ा हा, सिलेंडर की कीमत 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया तो गल्ला वध नहीं चलती है, जिसलै 400 गल्ला उपर जाती तो कांग्रेस सरकार जिहड़ी उहदा गल्ला फिर डाउन कर दिंदी कि 400 गल्ला कदे उपर नहीं होया सिलेंडर। मगर जदों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, सिलेंडर का रेट जिहड़ा है हर महीने वधा दा और अज वो 901 रुपये का सिलेंडर हो गया और आने वाले दिनों के ऐसा लगता है कि 1000 गल्ला भी उपर जिहड़ा है उहदी कीमत जाने वाली है। 400 रुपये का सिलेंडर होंदा हा ते तुस पूरी दी पूरी भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी सड़कें विच आई जांदी ही और सिलेंडर जिहड़े खाली उत्थे रखी है प्रोटेस्ट करदे ही कि जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है इन्हें महंगाई का दौर आणी उड़े दा, गरीब लोगों का जिहड़ा जीना हराम करी उड़े दा। मैं अज पुछना चाहना उस सरकार की कि 400 रुपये का सिलेंडर महंगा हा जा 901 रुपये का जिहड़ा सिलेंडर वह महंगा है। मैं समझना कि भारतीय जनता पार्टी ने अज गरीब लोगों का जीना जिहड़ा है वह मुहाल करी उड़े दा, गरीब लोगों का जीना जिहड़ा बड़ा मुश्किल होई दा। यह सच आख्या हा कि जिस वेला भारतीय जनता पार्टी स्पीचा करती ही कि अस हिंदुस्तान के आके तो अस एक बदलाव लागे जिहड़ा कांग्रेस पार्टी 70 साल के नहीं करी पाई, अस 5 महीने के करी उड़गे, ये सच्ची गल उन्हें आखी ही। अज उन्हें 5-6 महीने के अंदर गए या 5 साल 10 साल उन्हें हुकूमत जिनी भी की उन्हें इन्ना बदलाव आनिया कि लोगों की सामने लभा था जिहड़ी चीज़ 10 रुपये की होंगी ही वह सीधी 200 रुपये की गई। पेट्रोल डीजल की गल जिया विनोद होने तुसें की दसिया कि डीजल का रेट बदलने कन्नै, सिर्फ डीजल का रेट नहीं बदया, और डीजल का रेट बदलने कन्नै थोड़ी हर चीज़ महंगी होगी क्योंकि जिस वेले भी सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो बैठक रामनगर में की गई, जिसमें विशेष तौर पे ये जो महंगाई है इसके ऊपर सभी लोगों ने यहाँ पे अपने अपनी बात रखी और उसी के ऊपर हमने पिछले दिनों भी यहाँ पे रामनगर के अंदर प्रदर्शन किया था कि ये जो महंगाई जो सरकार द्वारा हिंदुस्तान की सेंटर की गवर्नमेंट चाहे वो हमारी यूटी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो महंगाई जो बढ़ रही है और गरीब लोगों के ऊपर जो जुल्म जाति और अत्याचार जो हो रहा है इसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा गरीब लोगों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो सोई हुई सरकार, अंधी बहरी सरकार जो हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई है, उस सरकार को भी जाग जाना चाहिए और ये गरीब लोगों के ऊपर जो जुर्म जाति जो है इसको खत्म करना चाहिए और जब महंगाई जो है इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, इसको जहाँ पे रोकना चाहिए। आज आप देखिए रसोई गैस सिलेंडर जो है वो दुगने रेट पे जो है वो पहुंच चुका है, डीजल और पेट्रोल जो है वो आसमान छू रहे हैं, जो हमारा जो सरसों ऑयल चाहे वो हमारी दालें जो और किस्म के जो घर में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो देखो आज कहाँ से कहाँ पहुंच रही हैं। तो ये सभी बातें जो है आज इस मीटिंग में जो है वो जहाँ पे विशेष रूप से इन पर चर्चा हुई और हम आज जहाँ से यही चेतावनी देते हैं कि सरकार इनके ऊपर अंकुश लगाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन जो है वो चलाया हुआ है, वही आंदोलन जो है हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर भी इसको अग्रसर करेंगे और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। और इसके साथ ही हमारे यहाँ रामनगर के अंदर जो सड़कों की खस्ता हालत,
उसको देखते हुए हमने प्रशासन को पहले भी इसके बारे में अवगत करवाया था, मेमोरेंडम भी दिया था। लेकिन एक बार फिर मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहूँगा कि एक मेन जो रोड रामनगर से डूडू का संतगढ़ को कनेक्ट करता है वो पिछले कई दिनों से जो है वो बंद पड़ा है और वो जो लोग हैं रामनगर से डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जल्द से जल्द उस रोड को भी खोला जाए। उसके साथ साथ रामनगर से चौकी घोड़ी वाले रोड की हालत भी बहुत खस्ता है, उस रोड को भी देखा जाए, वहाँ पे भी जो रिपेयर का काम है उसको रिपेयर किया जाए। उसके साथ साथ बाकी वाले भी जो हमारे रामनगर को जो लिंक रोड्स जो हैं उनकी भी जो खस्ता हालत है उन पे भी सरकार की जो है तवज्जो जो है हम दिलवाना चाहते हैं। वो प्रकट किया उन लोगों के साथ, पूरी कांग्रेस पार्टी की सहानुभूति जो है वो हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और उनकी मदद के लिए हमारी पार्टी जो है वो पूरी जदोजहद कर रही है। तो मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को जो लोग उसके हादसे के अंदर जो लोग मर गए हैं, हम उनकी भी शांति के लिए जहाँ पे हमने मौन भी जो है वो किया था और उसके साथ हम सरकार के आगे एडमिनिस्ट्रेशन के आगे ये दरख्वास्त करते हैं कि उन लोगों की भी फाइनेंशली और जिस तरीके से भी मदद हो उन लोगों की भी मदद होनी चाहिए। उसके साथ हमारे रामनगर तहसील के अंदर भी इस बरसात में जो कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे वो जानी माली, चाहे लोगों के जो मकान जो है वो ग्रस्त हुए हैं, उनको भी जहाँ पे सरकार की तरफ से जो है वो उनका सर्वे किया जाए। सभी जहाँ पे जो हमारे आए हुए लोग हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और खसूसन तौर पे मैं मीडिया के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो लोगों की, गरीब लोगों की आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का पूरा पूरा काम करते हैं, तभी ये गरीब लोग जो है इनकी कुछ ना कुछ मदद जो है वो सरकार की तरफ से होती है। मैं एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।